आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप VN ऐप का यूज करके थंबनेल कैसे बना सकते हैं। वैसे तो आप चाहे तो कुकिंग वीडियो, स्टिचिंग वीडियो, ब्यूटी रिलेटेड आपकी वीडियो है, किसी भी कैटेगरी में वीडियो है तो आप थंबनेल बना सकते हैं आइडिया लेकर के। लेकिन आज मैं स्पेशली बताने वाली हूँ कि वीलॉग वीडियो के लिए आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं, वो भी VN ऐप का यूज करके। वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ ए टू जी कॉन्टेंट में। अगर ये वीडियो आपको पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, VN ऐप से थंबनेल बनाने के लिए यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले VN ऐप में, और ये देखिए जो प्लस का साइन दिख रहा है इसके ऊपर हम कर लेते हैं क्लिक। अब जब हम वीडियो एडिट करने के लिए लेते हैं तो हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, लेकिन हमें थंबनेल बनाना है तो यहाँ पे फोटो लिखा गया है इसके ऊपर कर लेते हैं क्लिक। फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाती है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे स्टॉक्स लिखा गया है इसके ऊपर कर लेना है क्लिक, और ये तीन में से आपको कोई एक बैकग्राउंड कलर चूज कर लेना है। तो चलिए मैं ब्लैक कलर चूज कर लेती हूँ, या फिर व्हाइट भी कर सकते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी फोटो में वैसे भी ये बैकग्राउंड छुपने ही वाला है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखिए आपको सारे के सारे ऑप्शन मिलते हैं, और क्रॉप के ऊपर मैं कर लेती हूँ क्लिक। सबसे पहले क्रॉप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे देखिए बहुत सारे रेशियो देखने के लिए मिलते हैं। अब थंबनेल का जो फ्रेम होता है वो आपको फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है, रेशियो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 16:9 के ऊपर मैं कर लेती हूँ क्लिक। हो जाने के बाद नीचे ही है टिक मार्क, इसके ऊपर कर लेते हैं क्लिक। अब ये परफेक्ट है हमारे थंबनेल बनाने के लिए। जैसे कि हम वीलॉग वीडियो के लिए थंबनेल बना रहे हैं तो हम कोई फोटो ऐड करेंगे। फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकर है, स्टिकर के ऊपर मैं कर लेती हूँ क्लिक। वापस से हमारी गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाती है, तो जो भी फोटो आपने क्लिक करके ली होगी आपको वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ फोटो सेलेक्ट कर लेती हूँ, एक ये फोटो। आप इस फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो मैं इसे इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करके एडजस्ट कर लेती हूँ। आप जितना छोटा या फिर बड़ा करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फोटो परफेक्टली फिट हो गई है। अब वापस से हम स्टिकर के ऊपर ही क्लिक करके एक और फोटो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ, और इसे भी मैं इसी तरीके से थोड़ा सा बड़ा करूंगी, और सिर्फ अपर बॉडी को ही मैं शो करना चाहती हूँ तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा करूंगी इसे। तो ये देखिए एकदम परफेक्टली मैंने इसे सेट कर लिया है अपने हिसाब से। फोटोस लगाने के बाद ये लिखते हैं कि हम कहाँ गए थे, प्लेस का नाम, या फिर जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट है उसके ऊपर हम कर लेते हैं क्लिक, और यहाँ पे मैं ये जो कीपैड छोटा सा बना हुआ है आप देख सकते हैं साइड में, इसके ऊपर कर लेते हैं क्लिक। अब यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगी ऊटी टी गार्डन यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया है। अब आप यहीं से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ जो थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे, और कलर भी मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ जो कलर आपको अच्छा लगे। बहुत सारे कलर से देखिए यहाँ पे आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वहाँ यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल जो मैंने स्टार्टिंग में ब्लैक एंड व्हाइट वाला या फिर व्हाइट एंड ब्लैक वाला अच्छा लग रहा था तो यही रखती हूँ, और इसे थोड़ा सा छोटा बड़ा भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बस यहाँ पे साइड में कॉर्नर में ले जा करके मैं इसे फिट कर दूंगी। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा थंबनेल बन करके बिल्कुल तैयार है। आप इसमें और भी फोटोज ऐड करना चाहते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। स्टिकर के ऊपर एक बार और मैं क्लिक करके कोई एक और फोटो मैं लगाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे यूट्यूब वर्क में मैं जाऊंगी और मैंने यहाँ पे कुछ और भी फोटोज रखी है। ये देखिए स्माइली वाली फोटो, तो इससे भी मैं ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बीच में, कि इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे सेट कर लूंगी। और बस यहाँ पे ऊपर ही है सेव बटन, थंबनेल कंप्लीट हो जाए इसके ऊपर कर लेना है क्लिक, और ये सक्सेसफुली आपका थंबनेल बन करके तैयार है। इससे हम करते हैं बैक और गैलरी में चलते हैं। तो ये देखिए हमारा थंबनेल बन करके बिल्कुल तैयार है बहुत ही आसानी से। आपने देखा कि इस तरीके से आप VN ऐप का यूज करके अपनी वीडियो का थंबनेल बना सकते हैं, और तो और वीडियो को एडिट भी आप VN ऐप से कर सकते हैं। आपके दो दो काम हो जाएंगे एक ही ऐप में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इस तरीके की ढेरों वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।